सिटी मैजिस्ट्रेट के आदेशों पर डिप्टी कलेक्ट्रेट राजीव कुमार ने पुलिस बल के साथ मथुरा मार्ग स्थित लीलानंद ठाकुर पागल बाबा मंदिर कक्ष संख्या 24 में कई वर्षों से निवासरत मृतक कर्मचारी अरविंद तिवारी के परिजनों को प्राचीन लीला कुंज आश्रम में स्थानांतरण कराया है। साथ ही ट्रस्ट ने तिवारी परिवार के खाने पीने का खर्चा देने की भी बात कही है। इस संबंध में जहां डिप्टी कलेक्ट्रेट राजीव कुमार का कहना है कि कक्ष को ट्रस्ट और कक्ष में रहने वाले तिवारी परिवार की सहमति से खाली कराया गया है, तो वहीं मृतक अरविंद तिवारी की पत्नी बबिता तिवारी का कहना है कि ट्रस्टियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उसे महिला पुलिस बल का भय दिखाकर उससे जबरन हस्ताक्षर कराकर जबरन कक्ष को खाली कराया है। ये वर्ष 2014 में ट्रस्ट की फुल बोर्ड मीटिंग में, जिसके मतलब जो है आदरणीय उस समय के जिला जज भी मौजूद थे, तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती बी चंद्रकला के अध्यक्षता में कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि कमरा नंबर 24 में जो बबिता तिवारी रह रही हैं, इनको मतलब खाली करा के लीला कुंज में जो इनके आवास हैं उसमें शिफ्ट करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ दिक्कत हो रही है, मतलब जो है इन लोगों के प्रशासन ने कहा था। तो ये आज मतलब उसके बाद पुलिस को कहा गया, मतलब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मतलब जो स्थानीय SHO को कहा कि आप मतलब जो है आवास खाली करा दीजिए। और खाली कराने के लिए कहने पर उन्होंने एक मजिस्ट्रेट की मांग की, तो मजिस्ट्रेट के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट ने मुझे अधिकृत किया है, मैं आदेश की कंप्लायंस कराने आया हूँ। और इनको ये तय हुआ है कि लीला कुंज में आवास मतलब इनको दे दिया गया है, उसमें 2 पंखे, 2 ट्यूबलाइट, पुताई वगैरह सब करा दी गई है, और ताकि इनको रहने में कोई असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त इनको 3 परिवार में सदस्य हैं, इनके एक बेटा है, एक बेटी है, और स्वयं बबिता तिवारी हैं। इन तीनों को ट्रस्ट के ट्रस्टियों से हस्ताक्षर करा के दे दिया गया है कि 1,000 रुपया प्रतिमाह मतलब जो है खाने का खर्च दिया जाएगा, और इनका जो वेतन बबिता तिवारी को मिलता है वो एज इट इज मिलता रहेगा। सिलेंडर की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है कि सिलेंडर ख़त्म होने पर यही लोग भरवाएंगे, और आवास जब तक इनका व्यवहार अच्छा रहेगा, कोई व्यवहार में मतलब जो है असामान्य बात नहीं होगी या अभद्रता नहीं करेगी, तो आवास बराबर बना रहेगा। मतलब पागल बाबा ट्रस्ट को ही इनको दिक्कत पैदा नहीं, इसलिए समस्या का संतोषजनक समाधान किया मतलब जो है कर दिया गया है। ट्रस्टियों और तीनों परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर करा दिए गए हैं, आपसी सहमति से अच्छा मतलब जो है समझौता निकल कर आया है, कोई किसी प्रकार की मतलब प्रशासनिक समस्या या शांति व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं। जबकि महिला का कहना है कि वह कई बार ट्रस्टियों को बोल चुकी है कि वह लड़की की शादी होने के बाद स्वतः ही कक्ष को खाली कर देगी, क्योंकि उसकी बच्ची अब बालिग हो चुकी है। उसका कहना है कि उसे जहां स्थानांतरण किया जा रहा है वहां अधिकांश वृद्ध माताएं निवासरत हैं, ऐसे में वह अपने परिवार का कैसे जीवन व्यतीत कर सकेगी। आज हो रहा है मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं सिटी मजिस्ट्रेट के पास 1 महीना पहले गई थी, मैं उनसे बोला सर मेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी कर लूँ, मैं कमरा खाली कर दूंगी। आज जब बोला ठीक है 3 फरवरी में मेरी बेटी की शादी है, बोले कि ठीक है 1 महीना बेटी की शादी करने के बाद कमरा छोड़ दें, ठीक है सर छोड़ दें। सर वहाँ पर सेफ्टी नहीं है, मेरा मेरे बेटी का मेरे बेरा सेफ्टी नहीं है। तो आपने साइन जो अभी किए हैं, जबरदस्ती करवाया गया साइन है, तो हम तुमको उठा के थाने में बंद कर देंगे। जबरदस्ती साइन करवाया गया, ऐसी मेरा लेडीज पुलिस बुलाया गया, मेरे लिए उठा के बंद कर देंगे।